हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में कि इंदर जल्दबाजी में सारे पैसे इकट्ठे करके बस जा ही रहा होगा, तभी अंगद भी आएगा और मनवीर के सारे जेवर और जितना भी कैश होगा वो लेकर के आकर के इंदर को देगा, जिसे देख कर इंदर इमोशनल हो जाएगा। दारजी को यहाँ पर किडनैपर का लोकेशन आएगा और इतने में बेबे भी आएंगे और कहेंगे कि ये ले पुत्र मेरे सारे गहने। सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और कोशिश करेंगे सिमरन को बचाने की। दारजी यहाँ पर कहेंगे कि लो, किडनैपर ने लाइव लोकेशन भेज दी है अपनी, जहाँ पैसे लेकर के जाने हैं। सिमरन के लिए बहुत ज़्यादा इंदर को परेशान देखकर उसे एक बात का एहसास होता है कि मेरे अलावा भी इस घर में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सिमरन की सब। तभी वो कहता है कि पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही सिमरन के साथ में बहुत अच्छा फील करता हूँ और उसकी परवाह करता हूँ और साहिबा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप सब लोगों को भी सिमरन की चिंता है। यहाँ पर बेबे इंदर से कहती है कि पुत्र वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तू अकेले कैसे जाएगा। तभी अंगद यहाँ पर ज़िद करता है और कहता है कि रुकिए डैड, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन इंदर वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, उन लोगों ने साफ साफ कहा है अकेले आना, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को साथ में देखकर वो लोग चिढ़ जाएं और वो मेरी सिमरन को कुछ कर ले। मैं उसे सही सलामत घर पर लौटना चाहता हूँ, लेकिन आप सबका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, मैं चाहता हूँ और बहुत जल्द सिमरन को यहाँ लेकर आता हूँ। बेबे कहती हैं ठीक है पुत्र, अच्छे से जाएं और अपना ख्याल रखें। इंदर को जाता देख थोड़ा थोड़ा टेंशन में आ जाता है अंगद और साहिबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होती है। तभी बेबे कहती हैं कि एक बात देखो, मनवीर पहले कितनी ज़्यादा चिल्ला रही थी उस लड़की को देख कर, कितनी नफरत भरी बातें कर रही थी, लेकिन आज उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने सारे जेवर दे दिए। इधर साहिबा को भी लगेगा कि वाकई में मनवीर तो दिल की इतनी बुरी नहीं है जैसी वो अपने आप को दिखाती है। इधर दूसरी तरफ मनवीर अपने रूम में कॉल पर बात कर रही होगी और कहेगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने तुमसे कहा था कि बच्चे को सही सलामत सिर्फ ऑर्फनेज में पहुंचा दो, ये किडनैपिंग और वो भी इतने सारे पैसों की डिमांड, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तभी किडनैपर कहता है कि अरे तू मेरी बात सुन और तू अब वो करेगी जो मैं कहूँगा। यहाँ पर किडनैपर कहता है कि अब अगर तूने अपना मुंह खोला तो मेरा भी मुंह खुलने में देर नहीं लगेगी, मैं सबको बता दूंगा कि तू ही है वो जिसने मुझे बच्ची को खुद सौंपा था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है मनवीर, लेकिन किडनैपर उसके मुंह पर फ़ोन काट देता है। जैसे ही मनवीर टेंशन में पीछे मुड़ती है वो देखती है कि सामने तो साहिबा खड़ी है और उसे देख कर मनवीर के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि साहिबा ने सारी बातें सुन ली होती है। मनवीर के पास में आती है साहिबा और कहती है कि मनवीर मैम, मैं जानती थी कि आप सिमरन से नफरत करती हैं, लेकिन आप इतना गिर जाएंगे ये तो मैंने सच में नहीं सोचा था। आपने एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी साजिश रची, आपको ज़रा सा भी तरस नहीं आया। तभी मनवीर यहाँ पर बिना कुछ बोले फ्लैशबैक में सोचती है कि आकर उसने कैसे एक बाहर मनाली या शिमला के ऑर्फनेज में कॉल पर बात करी और उनसे कहा कि मुझे एक बच्ची को ऑर्फनेज में डलना है, आप जल्द से जल्द उसे यहाँ करके ले जाइए। तभी दूसरी तरफ से वो लोग कहते हैं कि मैम ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होंगे और आने जाने का कन्विंस भी। तभी मनवीर कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें बच्ची को आज के आज ही लेकर के जाना होगा। इस तरीके से मनवीर यहाँ पर डील कंफर्म करती है और वो बताती है फ्लैशबैक में कि कैसे इंदर के पीछे पीछे जब अंगद जा रहा था तभी मनवीर ने इस बात का फ़ायदा उठाया और बोला कि अब अंगद चला गया है, मुझे साहिबा का कुछ करना पड़ेगा। और वो सीधे जाती है बेबे और दारजी के पास और उनसे कहती है कि आप साहिबा को बुलाइए और उसे समझाइए, उसे बात कीजिए कि ये इंदर को ज़बरदस्ती अडॉप्शन का बाप बनाना इसलिए ठीक नहीं है। अकाल और प्रभजोत यही बात मानते हैं और साहिबा को देर रात बुलाते हैं जब वो सिमरन के पास बैठी होती है और सिमरन सो रही होती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा करके जब दारजी और बेबे साहिबा से बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से सिमरन जाकर के वहाँ पे जो मनवीर है वो जाकर के सिमरन को गायब कर देती है और गार्ड्स का ध्यान भटका करके वो किडनैपर्स के हवाले खुद कर देती है। उसे ये नहीं पता होता कि ये लोग ऑर्फनेज नहीं बल्कि किडनैपिंग गैंग चलाते हैं और मनवीर इस बात से अनजान उनको कहती है कि ये रहे तुम्हारे पैसे, लेकिन ध्यान रहे बच्ची को सही सलामत ले जाना क्योंकि वो अभी सो रही है और उसकी नींद ना टूटे। किडनैपर बहुत अच्छे से यहाँ पर मनवीर से एनजीओ वाले बनकर के सिमरन को ले जाते हैं और वो सोचती है कि मेरा पीछा छूटा, लेकिन अब यहाँ पर साहिबा के सामने मनवीर इस बात का खुलासा करते हुए आएगी नज़र और कहेगी कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे, मैंने तो बेस्ट एनजीओ स्कूल ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग सिमरन को किडनैप कर लेंगे।
साहिबा कहती है, सीरियसली मैम, आपने बेस्ट एनजीओ ढूंढा फ़ोन पर और फ़ोन पर ही आपने ये सारी डील फिक्स कर दी। सिमरन, मैम हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं, वो जीती जागती बच्ची है। मनवीर मैम, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। लाइए मुझे वो नंबर दीजिए जिससे आप बात कर रही थी। मनवीर कहती है, तुम क्या करोगी? तभी साहिबा गुस्से में आती है, कहती है कि देखिए, अगर मैं चाहूँ ना तो पुलिस को सब सच बता सकती हूँ और आपके फ़ोन की सारी डिटेल्स निकलवा सकती हूँ। क्या आप यही चाहती हैं? बताइए। तभी साहब पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है मनवीर और कहती है कि नहीं नहीं, तुम प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना, ये लो फ़ोन, जो तुम करना चाहती हो तुम कर लो। तभी साहिबा कहती है, जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आपने मना किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंदर और अंगद आप पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहती कि उनका भरोसा टूटे, और मैं इस फैमिली में और प्रॉब्लम्स नहीं चाहती। इसीलिए साहिबा वहाँ से चली जाती है और मनवीर काफ़ी अपसेट रहती है। इधर दूसरी तरफ सभी लोग ये बात कर रहे होंगे कि आखिर बरार मेंशन की सिक्योरिटी क्या इतनी बेकार है कि अंदर से आकर के बच्ची को सोता कोई उठा करके ले गया। तभी सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये सारी बातें सुनकर मनवीर घबरा रही होगी और उसके हाथ से पानी का गिलास छूट जाएगा। तभी यहाँ पर उससे पूछा जाएगा कि परजाई जी, आपको क्या हुआ है? कल तक तो आप जिस बच्ची का नाम किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती थी, आज उसकी इतनी फिक्र हो रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कोई बात शेयर करना चाहती हैं तो मुझसे कर सकती हैं। यहाँ पर साहिबा वो नंबर लेकर के वीर को देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझसे सवाल जवाब किए बिना बस मेरी मदद करो, और ये किडनैपर का ऑल्टरनेट नंबर है और हमें इसकी लाइव लोकेशन पता करनी है, तो तुम अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो और इसका डिटेल निकल पाओ। यहाँ पर मनवीर के पास में आता है जबजोत का हस्बैंड और वो कहता है कि बापी क्या हो क्या, आप इतनी परेशान लग रही हैं, अगर आपका कुछ शेयर करना है तो आप मुझसे बता सकती हैं। और यहाँ पर बातों ही बातों में वो मनवीर सब कुछ बता देती है कि उसने कैसे गलती से खुद किडनैपर्स के हाथों में उसको सौंप दिया। यहाँ पर साहिब अंगद से बात करने के लिए आती है वीर के कहने पर कि उन्हें पता होना चाहिए सब, लेकिन वो देखती है कि अंगद तो रूम में है ही नहीं। यहाँ पर इंदर किडनैपर के और करीब पहुँचता जाएगा, लेकिन वो नोटिस करेगा कि उसका पीछा कोई कर रहा है और इसीलिए वो देखेगा। इतने में साहिब अंगद को कॉल मिलाएगी और कहेगी कि तुम अपना ख्याल रखना, मुझे टेंशन हो रही है इसीलिए। तभी वो कहती है यहाँ पर कि सभी लोग बहुत परेशान हैं, और अंगद कहता है कि हाँ मम्मा भी तो परेशान है। तभी साहिबा सोच में पड़ जाती है कि जब अंगद को पता चलेगा कि मनवीर मैडम ने क्या किया है तब अंगद का क्या होगा। ये सोच करके वो कहती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पर किडनैपर्स की लोकेशन को फॉलो करते हुए इंदर पहुँचता है और पीछे पीछे यहाँ पर अंगद भी पहुँचता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं कि ना जाने अब क्या होगा, सिमरन सही सलामत आ पाएगी कि नहीं। तभी यहाँ पर सिमरन के बारे में मनवीर जो सोच रही होती है उसको दिलासा देते हुए सब कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, वो सही सलामत होगी। जैसे ही दार जी कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, उन्होंने किसी को आते जाते तो देखा होगा। तभी मनवीर और घबरा जाती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम खुलकर सामने आएगा, और इसीलिए जो जगजोत का हस्बैंड है वो उसे रोक देता है। और यहाँ पर वो कहता है कि अगर किडनैपर हमारे घर में से कोई हुआ या गार्ड में से कोई हुआ तो वो लोग सब अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें किसी से ये बात पूछनी चाहिए। यहाँ पे किडनैपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है छोटी सी सिमरन को, वो पानी मांगती है, वो कहता है जब तक पैसे नहीं तब तक कोई पानी नहीं। और यहाँ पर इंदर यही प्रार्थना करता है कि बस मेरी बच्ची ठीक हो, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाऊँ। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि मनवीर की पोल आखिर कब और कैसे किसके हाथों खुलती है। फिलहाल तो ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।